नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईटीसी के बारे में। दोस्तों जहाँ पे शार्प मूव आया है उसके पीछे ब्रोकरेज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ब्रोकरेज बिजनेस को कैसे एनालाइज कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और दोस्तों चार्ट के ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसके बारे में मैं दोस्तों डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं आज के की वीडियो की आईटीसी। दोस्तों पहले देख लेते हैं कि कारोबार कैसे हुआ, कैसा रहा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो 213.05 का अपमो आया दोस्तों, 4.82% अप, यानी कि आईटीसी काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ा है। मैं आपको चार्ट के ऊपर वॉल्यूम भी बताऊंगा क्योंकि क्यों इंटरेस्टिंग है ये स्टॉक को डिस्कस करना। प्रीवियस क्लोज था वो 203.25 था, ओपन हुआ 205 के ऊपर, हाई बनाया 213.20 का, लो बनाया 204 का। दोस्तों अगर क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो 6,16,47,120 का हुआ है और डिलीवरी क्वांटिटी 1,77,58,207 का हुआ है दोस्तों। और डिलीवरी क्वांटिटी है दोस्तों 28.81%, ऑलमोस्ट 29% का हुआ है। अब सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं, फिर देखते हैं कि ब्रोकरेज क्या एनालाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता है अगर आप मेरे चैनल से पहले जुड़े हुए हैं तो ये वीकली चार्ट के ऊपर मैं एनालाइज किया हुआ है आईटीसी को पहले भी, और मैं आपको बारी बारी बता रहा था कि 200 का लेवल दोस्तों नेक एंड ब्रेक लेवल है आईटीसी के लिए। उसके पीछे के मैंने आपको रीज़न बताया था दोस्तों। लास्ट वीक देखिए मैंने वीडियो बनाया था तब भी बोला था कि दोस्तों बेहतरीन लेवल है 200 का स्टॉप लॉस के साथ, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आप इसमें कर सकते हैं। आप देखोगे कि क्यों 200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक वीक है, ये दूसरा वीक जहाँ पे आप लो देखो 200 का बट क्लोज आया ऊपर, उसके अलावा यहाँ पे भी आप देखो बिल्कुल नज़दीक आया, 200 के आसपास आया बट क्लोज ऊपर हुआ। उसके बाद ये वाला कैंडल देखो 200 के आसपास आया, 234 का दोस्तों एक ही वीक में हमें रिटर्न मिला। ये कैंडल देखिए 200 के आसपास आया, 218 का हाई बनाया। यहाँ पे देखिए 216 का हाई बना के नीचे तो आया दोस्तों बट 200 पे संभल गया, यहाँ पे तोड़ दिया दोस्तों बट क्लोजिंग दोस्तों हमें अपर ही मिली है। यानी कि 200 का लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक साइकोलॉजिकली और टेक्निकली दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स टच होके दोस्तों ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल आ रहा है। तो 200 के आसपास बाई करना है और क्लोजिंग लेवल पे ऊपर अगर बंद आता है तो आपको निकल जाना है। और रेजिस्टेंस लेवल जो पहला है वो है 236 रुपीज़ के आसपास का दोस्तों। वो इसलिए है कि लास्ट जो स्विंग हाई बना था वो भी 236 के ऊपर था। उससे पहले दोस्तों ये जो लेवल फर्स्ट फेब्रुआरी जब कोरोना की शुरुआत हुई थी मार्केट में तब से वो गिरा था, तब वही लेवल था, तो वहाँ तक भी ये पहुँचा नहीं है। अगर मैंने आपको बताया था कि एचयूएल जो था वो उसको ऊपर तोड़ के आगे बढ़ चुका है दोस्तों, बट आईटीसी जो है मार्केट में बहुत ही लोअर चल रहा है। और आप देखोगे कि ये पहले एक लेवल का सपोर्ट भी था 236 का लेवल, तो नेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर वो टूटता है तो और तेज़ी हमें मिल सकती है 266 के ऊपर। अब हम इसका रिट्रेसमेंट लेवल मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। तो ये स्विंग लो है और ये हम स्विंग हाई यहाँ पे पकड़ लेते हैं तो 38.2% का जो रिट्रेसमेंट है वो भी 199 रुपीज़ के आसपास आता है दोस्तों। यानी कि 200 का जो लेवल है बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट लेवल है। और अभी जो स्टॉक क्लोज हुआ है वो 23.6% के रिट्रेसमेंट के आसपास ही क्लोज हुआ है दोस्तों। तो यानी कि अभी अगर ये लेवल टूटता है तो और मूवमेंट आएगा, और यहाँ पे जब तक 236 का लेवल नहीं टूटता है दोस्तों तब तक स्टॉक में और तेजी नहीं बन सकती है। अब मैं आपको क्यों डेली चार्ट के ऊपर बात करने वाला था दोस्तों, आप देखेंगे कि ये डेली चार्ट मैंने कर लिया है दोस्तों। तो डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे कि वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल ना के बराबर था, बट आप एक ही दिन का वॉल्यूम देखो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आया है दोस्तों और बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट स्टॉक ने दिया है। इवन आप डेली चार्ट के ऊपर जो इंट्राडे और पोजिशनल कॉल के लिए लिया जाता है तो इसमें आप देखोगे कि 207 का जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों वो उसने ब्रेक किया है। कितनी बार दोस्तों, 1, 2, 3, 4 टाइम्स दोस्तों वहाँ पे टच होके दोस्तों स्टॉक नीचे गया था। तो यानी कि वो पूरा जो था बुल्स ने बहुत प्रेशर लगाया और बियर्स को हराया है दोस्तों, तो इसमें बियर्स जीत चुके हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट हमें मिला है। अब न्यूज़ क्या है और ब्रोकरेज क्या बोलते हैं उसके ऊपर दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो ब्रोकरेज का ये बोलना है दोस्तों कि
एफएमसीजी जो आईटीसी का एफएमसीजी जो है वो ग्रो होगा 15% ड्यूरिंग दिस क्वार्टर और इन लाइट ऑफ शार्प इंक्रीज इन पाम ऑयल कोपरा एंड टी प्राइजेस दोस्तों, और प्राइस हाइक भी हो सकता है 5 to 12% का दोस्तों। और दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि सिगरेट बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आया है ड्यू टू कोरोना और होटल बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आया है, इसीलिए मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है दोस्तों ये स्टॉक। बट आईटीसी का जो सिगरेट बिजनेस है वो अभी 7.7% ग्रो हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि सिगरेट प्राइस जो हाइक किया था उसके बाद जो लास्ट लॉकडाउन आया और जैसे मैंने बताया कि जो बिजनेस है बिल्कुल घट गया है, बहुत ही कम हो चुका है दोस्तों। बट इनका जो फूड बिजनेस है वो 5 to 8% का बढ़ रहा है और सिगरेट बिजनेस है वो 20% था इन अप्रैल ड्यू टू लो बेस एंड स्टॉक बिल्डअप दोस्तों। लॉकडाउन में दोस्तों आपको पता है कि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है अप्रैल 21 से, इंडिया में सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आया तब से तो वहाँ पे लोगों ने स्टॉक करके रखा है, तो ये भी एक क्वार्टर में शायद हमें सिगरेट के वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। बट होटल बिजनेस का आउटलुक अभी भी वही का वही है, लास्ट टू क्वार्टर में उन्होंने इम्प्रूव किया था बट कुछ हुआ नहीं दोस्तों। और सिगरेट डिमांड तो थोड़ा ऊपर हुआ इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से, बट फूड कैटेगरी कंटिन्यू टू डू वेल। हाउएवर बिस्किट का जो बिजनेस है वो स्लो डाउन होगा और फूड ग्रोथ जो है वो है इंस्टेंट नूडल्स, आशीर्वाद आटा और बिंगो, वो भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बट जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है उसमें दोस्तों प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। तो यानी कि ओवरऑल मिक्स व्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा जून 20 को तो वहाँ पे मिक्स व्यू आएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, आईटीसी क्यों बेहतरीन कंपनी है उसके पीछे के मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, आपको पता है कि जो जो स्टॉक को हम इस चैनल के ऊपर पकड़ते हैं उसका पूरा डिटेल मैं आपको बताता रहता हूँ। आपको पता है कि गडीला हेल्थ केयर में हमने सारे न्यूज़ कवर किए हैं, इवन वोडाफोन आइडिया में हमने सारे न्यूज़ क्लियर किए हैं, टाटा मोटर्स में हमने सारे व्यू क्लियर किए, इवन जो प्राइवेट मोनेटाइजेशन की बात आई है प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनियों की उसमें भी हमने सारे न्यूज़ कवर किए हैं और इम्पोर्टेंट लेवल कवर किए हैं। आईटीसी में भी आपको पता है कि जब मेडिकल की बहुत ही प्रॉब्लम थी इंडिया में तब आईटीसी आगे आया था और सपोर्ट किया था, काफ़ी कोविड सेंटरों को उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था बिल्कुल, कि उसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू में इम्पैक्ट आएगा दोस्तों। बट अच्छी बात यह है कि वो कंपनी के बारे में भी कंपनी सीएसआर एक्टिविटीज़ कर रही है, और अभी जो न्यूज़ है जो मैं आपको आपके सामने है कि आईटीसी ने जो अपना एम्प्लॉय असिस्टेंट है टू बियर मेडिकल एक्सपेंस ऑफ कोविड हिट स्टाफ एंड देयर फैमिली मेम्बर, तो दोस्तों ये भी वो एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू में इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। बट देयर इज़ अ वेरी गुड मैनेजमेंट सो वो कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में भी सोच रहे हैं, तो आने वाले टाइम में दोस्तों बिजनेस में अप एंड डाउन होता रहेगा। बट कंपनी एक हिसाब से बता रही है कि भाई हमारे ऊपर फेथ रखो, और दोस्तों 200 का लेवल जो मैंने बताया है वो बेहतरीन लेवल है, तो उसके क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं टेम्पररी। अभी जो ये स्टॉक है वो साइडवे जोन में है, जब तक कोविड का सिचुएशन कंट्रोल नहीं आ जाता तब तक इसमें थोड़ा इश्यू रहेगा दोस्तों। तो ये मेरे पर्सनल व्यू है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।